एक मिनट, अनु यहाँ से ले लिया हूँ। अनूप यार जिंदगी कितनी की शान रखती है भाई। देखिए जो एक कड़ी बनी है, जैसे उधमपुर में ट्रेन का आने का सिलसिला हुआ और हमारे जो लोग बाहर हैं, चाहे वादी के हों जम्मू के हों, उन लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि जो लोग रेगुलेटेड मूवमेंट हो, लोगों का टेस्ट हो, बसेस में बैठे हैं फिर अपने घर की उनकी रवानगी हो, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो एक स्पेशल ट्रेन चल रही है दिल्ली से जम्मू तक, पहले तो जो पैसेंजर्स यहाँ आएंगे अंदर आपने देख सकते हैं कि वहाँ पे क्योस्क बनाए गए हैं, टेस्टिंग क्योस्क बनाए गए हैं ताकि सैम्पलिंग लिया जाए, तो बाद में उनको टेस्ट किया जाएगा। और फिर गाड़ियों में बैठ के अलग अलग बूथ्स बने हैं, बेस बने हैं जहाँ पे कि उसी ज़िले की गाड़ियों को इकट्ठा किया गया है। फिर उसमें बैठ के जिस ज़िले के जितने लोग होंगे उनका पहले टेबुलेशन किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, मोबाइल नंबर, मोहल्ला, हर चीज़, ताकि उनकी पूरी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो और जैसे टेस्ट रिजल्ट आए तो उनको दिक्कत ना हो। हर चीज़ को एक तैयबत तरीके के कारण एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज़ किया गया, राइट फ्रॉम
देयर एंट्री इनटू दी स्टेशन और जब तक अपने घर में और वहाँ पे जो एडम क्वारंटाइन सबको किया जाएगा उनको व्यवस्था की गई ताकि जब रिजल्ट आने के बाद उनको नेगेटिव है तो अपने घर में जाएंगे और होम क्वारंटाइन, पॉजिटिव अगर होगा कोई तो उसको फिर उसी तरह से प्रोटोकॉल के मुताबिक उसका इलाज शुरू होगा। पूरे इसकी जो प्रक्रिया का मेन मकसद ही है कि लोग आएँ और यहाँ पे आके वो भी सेफ रहे और जो समाज है वो भी सेफ रहे। और आपने देखा होगा आज हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं और बड़े तैयबा तरीके कारण उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो उनका उनकी घर वापसी हुई है, अपने घरों में जा रहे हैं। और बहुत बहुत सारे लोग, बेशतर लोग जो नेगेटिव होकर अपने आराम से अपने कुंभों के बीच बैठे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उसी सिलसिले में ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज भी है जिसको हमने निभाया उधमपुर में। अब सारे ऑफिसर्स ने उसको खुद स्टेट गवर्नमेंट एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब खुद इसको पर्सनली मॉनिटर करते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब मुझे लगता है उन्होंने बहुत सारी यहाँ पे विजिट्स की हैं और इस पूरी प्रक्रिया को एक सुचारू रूप से चले उसके लिए सारे प्रबंध खुद देखें। और इसी सिलसिले में मैं खुद भी आया हूँ, बाकी इंतजामिया भी यहाँ हैं, सीनियर अफसर्स को यहाँ पर किया गया है, इंचार्ज बनाया गया है। और इसका पूरा मकसद ही यही है कि हमारे लोग जो यहाँ हैं वो परेशान ना हो और यहाँ पे आके उनको किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। सर कितने लोग जो हैं आने की उम्मीद है? देखिए तो ट्रेन का सिलसिला रहेगा, अभी बाकी जगह भी आ रही है और लगभग 1100 के करीब करीब जो लोग हैं वो आएंगे, जितनी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है तो इतने लोगों के आने की उम्मीद है। देखिए कोई भी ट्रैवलर चाहे यहाँ से आ रहा जब वहाँ, उसके लिए ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क पहने, हवा को आना जाना जो उसका ठीक रहे और हैंड्स वॉश करता रहे और तरीके से जाए, उसमें कोई जल्दबाजी ना दिखाए। कभी लोग गाइडलाइन रहेगी अंदर जाने की, आप लोगों को वॉच करें और अपने मीडिया में बार बार लोगों को समझाएं कि वो डेस्परेट ना हो। बहुत सारी कॉल्स बाहर से आती हैं और इसी सिलसिले में जो बाहर से आने वाले लोग, दिल्ली से जो स्टेशन से आ रहा है वो हो सकता है किसी दूसरी स्टेट से भी हो, तो लोगों का आने का सिलसिला जो है वो एक शुरू हो गया। मोर इन्हें मोर, पहले तो रेगुलेटेड था, स्पेशल ट्रेन की गई, इसमें बाई बुकिंग करके लोग जो आ रहे हैं इसी ट्रेन से आएंगे। और हमें आज अंदर नहीं जाना दिया जा रहा, कल की कोई है हमें प्लेटफॉर्म पे जाने के देख करेंगे। भारतीय रेल स्पेशल ट्रेन चला रही है नई दिल्ली से जम्मू और जम्मू से नई दिल्ली के बीच में। नई दिल्ली से आज शाम को तकरीबन 9:10 पर एक स्पेशल ट्रेन चलेगी जो कि सुबह जम्मू तकरीबन 5:45 तक पहुंच जाएगी। सभी जो पैसेंजर्स हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए प्लेटफॉर्म पे सर्कल्स बनाए गए हैं। हर तरह से इंश्योर किया जा रहा है कि स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म मेंटेन रहे। सभी की सैम्पलिंग यहाँ की जाएगी। इसके अलावा सभी यात्रियों से निवेदन है कि लाइट ट्रैवल करें, ज़्यादा सामान ना लेकर ट्रैवल करें, पर्सनल हाइजीन, मास्क वगैरह ये सब पहन के रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों का सफ़र यह सुगम रहेगा। शाम को यही ट्रेन जम्मू से साफ़ करके, सैनिटाइज होके ये ट्रेन शाम को चलेगी तकरीबन 8:10 पे। सभी यात्रियों से निवेदन है कि 1.5 घंटा पहले स्टेशन पर आने की कोशिश करें। सिर्फ जिनके पास कंफर्म टिकट्स हैं, कोई वेट लिस्ट टिकट, कोई RAC ये इशू भी नहीं हो रही है, जिनके पास IRCTC की तरफ से कंफर्म टिकट्स हैं सिर्फ वही लोग स्टेशन पर आएँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाकी लोगों को स्टेशन पर बिल्कुल एंट्री नहीं अलाउ की जाएगी, सबको बाहर ही रोक दिया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ जिनके पास कंफर्म टिकट्स हैं वही स्टेशन पर आएँ, उनकी चेकिंग होगी, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, ये इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी तरीके से संक्रमण ना फैल सके इस बीमारी का और हम इस पर काबू पा सकें।